यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का जो भिवानी से आ रही है। अपग्रेडेड राजकीय विद्यालय का आज उद्घाटन किया जाएगा। शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री रामविलास शर्मा इसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही आपको बता दें गांव देवसर में बना अपग्रेडेड राजकीय विद्यालय है जिसका उद्घाटन आज किया जाएगा रामविलास शर्मा की ओर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर आज उद्घाटन किया जाएगा अपग्रेडेड राजकीय विद्यालय का। तो शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा यहां पर रहेंगे मौजूद और इस राजकीय विद्यालय का उद्घाटन उनकी ओर से किया जाएगा। अपग्रेडेड राजकीय विद्यालय बनने से भिवानी के लोगों को काफी सुविधा होने वाली है क्योंकि अपग्रेडेड ये राजकीय विद्यालय हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि ये अपग्रेडेड राजकीय विद्यालय बनकर तैयार हो चुका है जिसका उद्घाटन आज किया जाएगा। तो शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री रामविलास शर्मा इसका उद्घाटन करेंगे और गांव देवसर में ये अपग्रेडेड राजकीय विद्यालय बनकर तैयार हो चुका है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सुमित कुमार हमारे संवाददाता भिवानी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी सुमित, ये जो उद्घाटन आज होने जा रहा है इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए सिनम, अगर बात करें इस राजकीय विद्यालय की, अपग्रेडेड विद्यालय इसको अपग्रेड किया गया, स्तरोन्नत किया गया है। खुद सूबे के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा इसको अपग्रेडेशन का इसका उद्घाटन करने के लिए आएंगे। एक बड़ी सौगात देवसर वासियों को कही जा सकती है, जिस तरह से इन बच्चों को, खासतौर पर जो लड़के लड़कियां हैं, उनको पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था आगे की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। लेकिन जिस तरह से गाँव में ही जब विद्यालय को स्तरोन्नत किया जाएगा तो जाहिर सी बात है इनको वही सुविधाएं मिलेंगी, वही शिक्षा अर्जन कर सकेंगे। बड़ी राहत की बात इन ग्रामीणों के लिए है और खुद शिक्षा मंत्री जो है इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुंचेंगे बतौर मुख्य अतिथि और लोगों को एक सौगात देंगे, देवसर वासियों को एक बड़ी सौगात वो देने वाले हैं। जी बिल्कुल सुमित, तो राजकीय विद्यालय अपग्रेड होने जा रहा है, क्या क्या और सुविधाएं इसमें एडअप की गई है, क्या क्या चीजें नई बच्चों को मिलेंगी यहाँ पर? देखिए पहले बच्चे जो है जिस तरह से पढ़ाई करते थे, पहले हाई स्कूल था, उसके बाद अब इसको स्तरोन्नत करके इसको सीनियर सेकेंडरी बनाया गया। जाहिर सी बात है बच्चों को जो बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, पहली सुविधा तो यही है कि वो गांव में उनको सुविधाएं मिलेंगी। दूसरे जो स्टाफ नया आएगा, नए स्टाफ की वजह से जो है बच्चों को अच्छी खासी और सुविधाएं मिलेंगी, अध्ययन अध्यापन कार्य ठीक तरह से हो पाएगा। जाहिर सी बात है जब स्कूल स्तरोन्नत हुआ है, जब अपग्रेड हुआ है, तो कहीं ना कहीं तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जो कि अपग्रेडेड स्कूलों में मिलती हैं। तो कहीं शिक्षा की अगर बात की जाए, शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे अगर इसमें सारी सुविधाएं, तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है। जी बिल्कुल सुमित, तो शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम भी यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित कुमार तमाम जानकारी के लिए। तो भिवानी में अपग्रेडेड राजकीय विद्यालय का उद्घाटन आज किया जाएगा और रामविलास शर्मा इसका उद्घाटन करेंगे।